तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। खुद जाके राहत से सवाल करूंगी ताकि तुम्हारे दिमाग से ये गलतफहमी हमेशा के लिए निकल जाए। मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगे, इसलिए उस बात का सबूत मैं अपने साथ लाया हूं। ये कैसी बातें कर रहा था ऐसा? अगर मुझे तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं होता तो मैं कभी भी हया से हलाला निकाह करने के लिए हाँ नहीं कहता। मैं जानता हूं कि तुमने हया से पूरी शिद्दत से मोहब्बत की है, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशी के लिए हया से हलाल निकाह करने के लिए हाँ कहा ताकि मैं उसे तलाक दे सकूं। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, हकीकत तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। हया अगर मैं चाहता तो चुपचाप बिना कुछ बताए ये निकाह होने देता, लेकिन ये मेरे जमीर को गवारा नहीं था। हया मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मुझे सुनहरी के बारे में इतना बुरा ख्वाब क्यों आया? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझसे और दूर जा रही है? ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, तो आज भी मेरा दिल उसे खोने के ख्याल से क्यों डर रहा है? सनम ठीक कह रही थी, हर इंसान को एक और मौका देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर गलत इंसान का दिल भी उतना ही गलत हो। मुझे सुनहरी और अपने रिश्ते को एक और मौका देना होगा, और अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं तो मुझे उसे उसकी सारी खामियों के साथ कबूल करना होगा। मैंने आपसे बस एक मौका मांगा था रेहान, और आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। सिर्फ एक बार मुझ पे यकीन किया होता तो शायद मैं यहां नहीं होती। मैंने अपनी यादों में हमारी एक अलग दुनिया बनाई है, और आप वहां हमेशा रहेंगे रेहान। बस एक बार मेरा ये काम पूरा हो जाए। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? क्यों अल्लाह, क्यों
तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इन आंखों को ऐसे ख्वाब क्यों दिखाए जो तू पूरे नहीं कर सकता? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है अल्लाह? क्या अगर मुझे तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं होता तो मैं कभी भी हया से हलाल निकाह करने के लिए हाँ नहीं कहता। कोई किसी के प्यार का कत्ल ऐसे कैसे कर सकता है अल्लाह? कैसे? इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, कमजोर हूँ, तो कोई भी आएगा मेरे दिल के टुकड़े करके चला जाएगा। क्यों अल्लाह? और राहत, उन्होंने मैंने अपना सब कुछ दे दिया, इतना प्यार किया, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों अल्लाह? लोग तो कहते कि जब अल्लाह कुछ छीनता है तो बदले में कुछ और देता है, लेकिन तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब शायद रह जाएगी आज सन की गाड़ी, दिखी गाड़ी। अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकता, जब से सनम मेरी जिंदगी में आई है ना, माय लाइफ इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब जानते भी, जब मैंने उससे कहा था कि मैं उसके साथ नहीं आ पाऊंगा, उसने ऐसा शो किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी नवाज, मनी मन में मुझे बहुत मिस करती है। अब देखिएगा अम्मी, शी इज गोना बी सो एक्साइटेड जब मुझे देखेगी। रियली जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ये तो और भी अच्छा हुआ कि हमें आहिल के साथ आना पड़ा। अब आहिल अपनी आंखों के सामने सनम को मरता हुआ देखेगा, और हम उसके जख्मी दिल पर अपनी ममता का मरहम लगाएंगे। बेचारी सनम, वो तो चली गई, वो भी ऐसी जगह जहां से उसे कोई वापस नहीं बुला सकता। अब
अब हमारे और हमारे ख्वाबों के बीच कोई भी नहीं आएगा। बहुत सब्र किया है हमने, लेकिन अब और नहीं। अब बहुत जल्द सब कुछ हमारा होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।